हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल आर्ट बाय हार्ट में। तो आज हम बनाएंगे वर्ली आर्ट में हम सर्कल्स कैसे बनाते हैं या स्पाइरल में हम कैसे बनाते हैं ह्यूमंस, वो मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आप अपने शीट का सेंटर ले लेंगे और शीट को दो भाग में बांट देंगे। सीधा हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और अब हम अपने स्केल को रखेंगे और जो हमारा सेंटर है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे दो डॉट लगा देते हैं ऐसे। जो नीचे वाला डॉट है उसका नाम रखेंगे ए, जो ऊपर वाला डॉट है उसका नाम रखेंगे बी। ठीक है, और अब हमारा यहाँ से स्पाइरल बनाना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। ए से अब हम स्केल हटा देते हैं, ए पर रखेंगे कंपास और अपनी पेंसिल को हम रखेंगे बी पे। ठीक है, और आप अपनी लेफ्ट साइड को एक सेमी सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। क्लियर। अब हम कंपास को रखेंगे बी पे और पेंसिल को एक्सटेंड करेंगे हम जो लास्ट सेमी सर्कल बनाया उसके लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे करेंगे। और अब हम राइट हैंड साइड सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हम फिर से कंपास को रखेंगे ए पे और लास्ट जो था हमारा सेमी सर्कल का पॉइंट वहां से हम राइट की तरफ फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, फिर हम रखेंगे बी पर और इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक पेंसिल को और फिर हम राइट हैंड साइड। ये हो गया, ये हमने बी पे रख करके ये वाला सर्कल लिया। अब हम फिर से ए पे रखेंगे और इसको यहाँ इसके लास्ट वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे और यहाँ से सेमी सर्कल खींचेंगे। ये ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर भी बनाना है। ठीक है, तो मे बी मुझे लगता है अगर हम और छोटा ही बनाए तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे ए पर और अपने पेंसिल को थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज करेंगे हम गैप को लाइक ये बी। पहले हमने ए पे रखकर बी से लाइन लिया था, अब हम बी से थोड़ा सा कम करेंगे, 1/2 सेंटीमीटर कम करेंगे और एक लाइन अंदर की तरफ सेमी सर्कल ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। फिर से हम बी पे रखेंगे और जो लास्ट था हमारा वहां से हम एक सेमी सर्कल राइट साइड को लेंगे। फिर हम ए पे रखेंगे और हम यहाँ फिर से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर बी पे रखेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये यहाँ रखा, फिर हम ए पे रख करके इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे कि एक और लाइन बनाएंगे, वो हम ए से बी जो हमने पहली वाली लाइन बनाई थी उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर एक और सेमी सर्कल बनाएंगे ये ऐसे। फिर हम बी पे रखेंगे, फिर हम इसको ये ऐसे बनाएंगे, फिर हम ए पे रखेंगे और लास्ट सेमी सर्कल वाले पॉइंट से फिर हम एक ऐसे बनाएंगे और फिर हम बी पे रखेंगे और लास्ट वाले सेमी सर्कल पॉइंट से इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब ये चूंकि यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो रहा है तो हम इसको चाहें तो यहाँ तक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये आगे का पोर्शन इरेज ही कर देती हूँ क्योंकि शीट इतनी बड़ी नहीं है तो हम शीट के हिसाब से ही काम करेंगे। ये हो गया, ये हमारी यहाँ तक बन गई। अब इसके आगे हम काम करेंगे। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, यहीं तक था साथ हमारा कंपास के साथ। अब हम क्या करेंगे,
जो ये वाला एरिया है छोटा वाला, इसमें बनेंगी लेग्स, और ये जो बड़ा वाला एरिया है इसमें बनेगा बॉडी। तो जो बॉडी बनेगा उसको आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें पहले करना है एक्स लाइक दिस। अब जब हम सेकेंड एक्स लगाएंगे तो हम ऊपर से गैप देंगे लेकिन नीचे से गैप नहीं देंगे। हम ऊपर से इतना गैप दे देते हैं और नीचे वाला गैप हम नहीं देंगे, नीचे वाला हम नीचे वाले लाइन में इसको जोड़ देंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ये वाला लाइन है, सेमी सर्कल है, इस ये ज़्यादा लंबा है और नीचे वाला छोटा है, तो अगर आप इक्वल रखोगे तो ये एक्स की जो ये जो बॉडी है, बॉडी का शेप खराब हो जाएगा। तो एज ऑलवेज आई से कि आप अपने शीट को घुमा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। आप यहाँ पर फिर से एक्स लगाइए और ये वाले एक्स को इसमें जोड़िए, ठीक है, और आप इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे अब हम, और ये पूरा करेंगे। Thank you.